झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने झारखंड पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की आज धनबाद, बोकारो और बेरमो में जनसभा है, जहां वो चुनावी सभा है, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। आदित्यनाथ की पहली जनसभा धनबाद जिले के निरसा नया डांगा काली मंदिर मैदान में है। वहीं दूसरी सभा बोकारो के सेक्टर 5 स्थित लाइब्रेरी ग्राउंड में है। योगी की तीसरी सभा बेरमो स्थित कारगिल फुटबॉल मैदान में है, जहां पर योगी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ बोकारो से सीधा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ तैयारी है इस चुनावी सभा को लेकर? एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं बोकारो में, इस सभा को लेकर क्या कुछ तैयारी देखी जा रही है? कितना उत्साह है लोगों में योगी आदित्यनाथ को लेकर? वही किन किन सीटों को साधने की कोशिश रहेगी वहां पर जब वो रहेंगे? कौन कौन से प्रत्याशी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ आज बोकारो विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं लाइब्रेरी ग्राउंड सेक्टर 5 में। वहीं 2 बजे से बेरमो में भी, वहां पर करगली फुटबॉल मैदान है, वहां पर भी उनकी सभा होनी है। जिस तरह से अगर हम बात करें तो विधानसभा बोकारो विधानसभा है, चंदन क्यारी विधानसभा है, बेरमो विधानसभा है और गोमिया विधानसभा है। इन सभी जगहों पर जो है एनडीए के प्रत्याशी, उनको लेकर वोट अपील करने के लिए आ रहे हैं। अगर हम बोकारो की बात करें तो बोकारो में विरंची नारायण जो एनडीए प्रत्याशी हैं, लगातार 2 बार को वो विधायक रह चुके हैं, उनका कार्यकाल 10 वर्ष रहा है और फिर से तीसरी बार उन्हें मौका। हिंदुत्व की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं और लगातार जिस तरह से उनका, हम कह सकते हैं झारखंड की धरती पर हुंकार पहले फेज में भरा था, इस बार अब बोकारो की धरती पर दूसरी फेज में यहां पर भी इनका हुंकार भरेंगे, यहां पर भी गरजेंगे। और जिस तरह किस एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे, उसी के लेकर लोग यहाँ में काफी उत्साह है। योगी आदित्यनाथ को सभी लोग टीवी में देखते थे, आज पहली बार सुनेंगे। तैयारियों की अगर हम बात करें तो तैयारी यहाँ पर देख सकते हैं, यह स्टेज है और इसी स्टेज से योगी आदित्य जो है अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर से संबोधित करेंगे, उनमें ऊर्जा भरने का काम करेंगे और विजय संकल्प सभा है। और यहाँ पर धीरे धीरे सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, झारखंड पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, उनकी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इतनी धूप होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ कार्यकर्ता है, जो योगी को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं लोग, योगी आदित्यनाथ को यहाँ जो आए उनसे भी बात करेंगे और देखते हैं कि कितना उत्साह है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से लोगों में कितना उत्साह है, आप देख रही हैं। और यहाँ बैनर भी लगा है, बटोगे तो कटोगे, सुरक्षित रहोगे, क्या कहेंगे? खड़ा जी, इसको हटाइए, बोलिए क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं सुनने के लिए। योगी जी के लिए तो आए हम लोग, एक घंटा से धूप में पर मतलब खड़े हैं, विरंजी जीत रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब जीत रहे हैं। क्या कहेंगे, योगी जी को सुनने के लिए आए हैं, सामने से आज देखेंगे भी? हाँ, एकदम बहुत उत्साह है हम लोग के बीच में, आज योगी जी को देखने के लिए लाखों लोग यहाँ जुट रहे हैं यहाँ पर, और हम चाहेंगे कि योगी जी जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे? बोलिए। अच्छा, आज हम सब बहुत खुश हैं, आज हमारे इस झारखंड के बोकारो जिले की पावन धरती पे यूपी के सीएम योगी जी आज हमारे बीच आ रहे हैं, हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है, हम सब बहुत खुश हैं और भारी बहुमत से हमें जिताना है और जीतना है और देश के लिए बहुत कुछ करना है हम लोग को। युवा है, बुजुर्ग है, सभी लोग यहाँ पर है, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते, महिलाएं भी काफी आए हुए हैं, सभी वर्ग के लोग यहां पर आए हैं, देख सकते हैं लगातार यहां जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। क्या कहेंगे, योगी जी को सुनने आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, आए हैं अभी तक फर्स्ट टाइम देखते थे, फर्स्ट टाइम आज फर्स्ट टाइम देखेंगे योगी जी को। उनका भाषण कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अच्छा लगता है, सब अच्छा ही लगेगा। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या बोलिएगा? बोकारो से आए हैं हम लोग, योगी जी को देखने आए हैं, मिलने योगी जी से,
बहुत दिन से हम लोग का तमन्ना था कि योगी जी के देखे, सामने से देखे, आज वो अवसर मिल गया हम लोग को। पधारे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही लोग 8 बजे से बैठे योगी जी का। आप क्या कहिएगा? यही कहेंगे, हमारे बोकारो के धरती पे योगी जी आ रहे हैं और बहुत ही हर्ष की बात है, आज हम लोग को मौका मिला है उनको सामने से देखने का। और बुलडोजर बाबा की जय बोल के नारा लगाएंगे, बोलिए एक बार बुलडोजर बाबा की। देखिए, ये बोकारो विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन है, जिस तरह से लगातार बेटी रोटी माटी की बात कही जा रही है, उसी योगी बाबा को सुनने के लिए यहाँ पर काफी लोग उत्साहित हैं। यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में भीड़ हो गया। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि बांग्लादेश घुसपैठियों की बात की जा रही है, आदिवासियों की हित की बात करिए की जा रही है, सुरक्षा की बात की जा रही है, बेरोजगारों के लिए महंगाई भत्ता देने की बात कही जा रही है, तो ये सभी बातें योगी जी यहाँ पर आके करेंगे। लेकिन उनके भाषण में जो एक बात है, जिस तरह से आप बैनर में भी छोटे छोटे पोस्टरों में भी देखे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे और नेक रहोगे सुरक्षित रहोगे और बटोगे तो कटोगे, ये सारी बातें जिस तरह से योगी जी कहते हैं और उन्हीं को सुनने के लिए बोकारो की जनता यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में पहुंची है। जी जी बिल्कुल सुरेंद्र, हम देख सकते हैं उत्साह तो काफी नजर आ रहा है लोगों में, लोगों की भीड़ जो है वो जमा होनी शुरू हो गई है। क्या कुछ क्या समय जो है वो निर्धारित है योगी आदित्यनाथ के वहां पहुंचने का, और सुरक्षा को लेकर वहां पर क्या कुछ व्यवस्था है, सीधा मुकाबला किन किन से रहने वाला है? बोकारो की बात करें अगर सुरेंद्र, तो क्या कुछ वहां की समस्याएं हैं जो जनता के बीच मुख्य रूप से है, जो वो चाहते हैं कि अगला जो उनका जनप्रतिनिधि हो इन समस्याओं को सुलझाए? देखिए, योगी आदित्यनाथ का 12 बजे का यहाँ पर प्रोग्राम दिया गया है और पूरा अगर सुरक्षा की हम बात करें तो कल से ही सुरक्षा के पूरा इंतजाम किए गए हैं। जब विभिन्न जगहों पर झारखंड पुलिस लगी है, यूपी पुलिस भी आई है और लगातार विभिन्न जगहों पर सुरक्षा के जांच किए जा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है सभी के हृदय में बसते हैं और जिस तरह से उनका भाषण रहता है उसको लेकर भी खासा इंतजाम किए गए हैं। अगर हम बोकारो विधानसभा क्षेत्र की अगर हम टक्कर की बात करें तो एनडीए वर्सेज इंडिया गठबंधन की टक्कर है। हालांकि जेएलकेएम के भी है, वो भी कुछ वोट काटने का काम करेंगे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर है। हम आपको बता दें कि लगातार 10 वर्षों से बिरंची नारायण, आप हमारा बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। हम आपके पास दोबारा लौटेंगे जब योगी आदित्यनाथ की सभा होगी, और फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।